नमस्कार दोस्तों दोस्तों तो आज का हमारा गद्य है सर की उपाधि लौटा दी। देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अपने जो देशवासी थे, वे देशवासी अपने भारत देश के लोग क्या कर रहे थे, एक शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर सभा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। किस विषय में? अपने भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के विषय में एक सभा कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से बैठे थे, उनके पास कुछ भी हथियार नहीं था। तब अंग्रेजों ने क्या किया था, उन पर गोलियां चलाई थी और उन्हें मार दिया था। हा? किसने गोलियां चलाई थी? जनरल डायर ने, एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने क्या किया था, उन लोगों पर गोलियां चलाई थी और सैकड़ों लोगों को बंदूक से क्या किया था, मार दिया था। और अपने जो देशवासी थे वे निहत्थे बैठे थे, मतलब उनके पास हथियार नहीं थे, कुछ भी हथियार नहीं था, और वे शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। और उसी वक्त जनरल डायर ने क्या किया, अंधाधुंध होकर उन पर गोलियां चलाई। और उस समय इस जलियांवाला बाग में यह जो भी कुछ घटना हो गई, उस घटना का विरोध करने हेतु, विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने क्या किया है, उनको उनके महामहिम को, अंग्रेजों के प्रमुख को, अंग्रेज सरकार को क्या किया है, पत्र लिखा है। किस विषय में पत्र लिखा है? कि आपसे जो मुझे उपाधि मिली है, सर की उपाधि जो मिली है, वह सर की उपाधि मैं लौटाना चाहता हूँ, लौट देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने यह जो कार्य किया है, यह कार्य कैसा है, बहुत ही गलत है। भारतीयों के साथ आपने यह जो बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया है, इसके कारण मेरे हृदय को बहुत बड़ी ठेंच पहुंची है। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, आपसे मुझे दी गई उपाधि मैं क्या कर रहा हूं, आपको वापस दे रहा हूं। देखिए, सही रूप से देखते हैं हम, ये वापस देते समय रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र को आज हम देखने वाले हैं। इस गद्य में क्या क्या दिया गया है, पत्र दिया है। किसने पत्र दिया है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने पत्र दिया है। किसको दिया है? अंग्रेज सरकार को दिया है। देखिए, देखो यहां पर किताब में चित्र भी दिया है। एक अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहा है, अपने भारत देश के लोगों पर क्या चला रहा है, बंदूक की गोलियां चला रहा है, बराबर है, और उनको मार रहा है। देखो, एक और ये अंग्रेज अधिकारी है और दूसरी ओर ये अपने भारत देश के लोग है, जो नीचे गिर रहे हैं। देखिए, तेरह अप्रैल 1919 को अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीय लोग शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे। इन लोगों पर अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा कर सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी थी। इस हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर को इससे बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि लौटा दी। सर की उपाधि लौटा दे जब दी उन्होंने सर की उपाधि जब उन्होंने लौटा दी, तब अंग्रेज सरकार को जो पत्र लिखा था वह पत्र इस प्रकार था। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की एक दुखद घटना है। भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में जितने भी आंदोलन किए भारतवासियों ने, भारतीय वीरों ने, भारतीय महापुरुषों ने, उन आंदोलनों में से यह जो घटना है जलियांवाला बाग, यह बहुत ही दुखद घटना है। कैसी घटना है? दुखद घटना है। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए।
हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में सेना लगा दी गई और जनता के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। बर्बरतापूर्ण, देखो यहाँ पर दिया है शब्द बर्बरतापूर्ण, यानी निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया भारतीयों के साथ। किसने किया? अंग्रेजों ने, अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज अधिकारियों ने। देखिए, हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में सेना लगा दी गई और जनता के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। कई दिनों तक ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की खबर नहीं फैलने दी। देखो, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे सैकड़ों लोगों को मार दिया था, हजारों लोगों को घायल कर दिया था, भारतीय लोगों को। यह खबर उन्होंने दबा कर रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह खबर पूरे देश में फैल गई है। देखो, जनता के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। कई दिनों तक ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की खबर नहीं फैलने दी। धीरे धीरे जब यह खबर पंजाब के बाहर फैली तो देश भर में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आक्रोश की लहर दौड़ गई। इस हत्याकांड की खबर सुनकर रविंद्रनाथ ठाकुर को बड़ा आघात पहुंचा है। देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर को यह खबर सुनकर क्या हुआ है? बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। आघात, आघात यानी धक्का, चोट लगी है उनके हृदय को। उनको बहुत दुख हुआ है। देखो, 30 मई 1919 को रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस हृदय विदारक घटना के विरोध में सर की उपाधि लौटाते हुए जो पत्र लिखा वह नीचे दिया गया है। सर की उपाधि लौटाते हुए जो पत्र लिखा है, उस पत्र में जो भी कुछ लिखा था वह इस गद्य में हम देखने वाले हैं कि उन्होंने पत्र में क्या लिखा था। देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर 6 द्वारिकानाथ लेन कोलकाता। वे कहां से पत्र लिख रहे हैं? कोलकाता से पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज सरकार के महामहिम को लिख रहे हैं, अंग्रेज सरकार के महामहिम को, प्रमुख को। देखिए, पत्र कब लिखा है? 30 मई 1919 को। देखिए, महामहिम, पंजाब सरकार ने स्थानीय आंदोलन को कुचलने के लिए जो निर्मम कदम उठाए हैं, उनकी भयंकरता ने ब्रिटिश प्रजा के रूप में हमारी असहाय स्थिति को प्रकट कर दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अभागे लोगों को जो अमानवीय दंड दिया है और उसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, उनकी मिसाल किसी भी सरकार के इतिहास में न तो अतीत में मिलती है और न वर्तमान में ही। देखो, पत्र में शुरू शुरू में उन्होंने लिखा है क्या कि आपने जो निर्मम कदम उठाए हैं, जो निर्मम कदम उठाए हैं, बिना सोचे समझे जो आपने कदम उठाए हैं और क्या किया है, भारतवासियों के ऊपर जो गोलियां चलाई है, उन्हें मारने के जो प्रयास किए हैं, जो निर्मम कदम उठाए हैं वो कैसे उठाए हैं? भयंकर कदम उठाए हैं। कैसे उठाए हैं? भयंकर। और इस भयंकरता ने ब्रिटिश प्रजा के रूप में हमारी असहाय स्थिति को प्रकट कर दिया है। यानी इससे हमें किस बात का पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार हमारे भारत देशवासियों को सहायता नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं, और इसे हम सह नहीं सकते। इस स्थिति को हम सह नहीं सकते, इतनी भयंकर यह स्थिति है, असहाय स्थिति को प्रकट कर दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अभागे लोगों को जो अमानवीय दंड दिया है, ये अभागे लोग हैं, ये लोग भारतीय लोग कैसे हैं? अभागे हैं, यानी दुर्भागी हैं। इस अभागे लोगों को जो अमानवीय यानी दानवीय वृत्ति से, जो मानवता से मेल नहीं खाते, ऐसा जो आपने कृत्य किया है, जो दंड दिया है, जो मानवता से मेल नहीं खाता, जो दानवों के साथ मेल खाता है, उस प्रकार का कृत्य जो आपने किया है और अमानवीय दंड जो आपने दिया है और इसके लिए जो तरीके आपने अपनाए हैं, उसकी मिसाल किसी भी सरकार के इतिहास में न तो अतीत में है। मिसाल, उसकी मिसाल, मिसाल यानी क्या? उदाहरण। ये कौन सा उदाहरण आपने दिखाया है? यह उदाहरण
आजकल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपने निर्मम कदम उठाए हैं, बर्बरतापूर्ण आपने व्यवहार किया है भारतीय लोगों के साथ हा? और न ही अतीत में मिलती है, अतीत यानी पुराना समय, अतीत यानी पुराना समय, पूर्व समय में भी इस प्रकार का कृत्य हमने नहीं देखा है और वर्तमान में भी नहीं है। ऐसे निर्मम कदम उठाकर आपने क्या किया है, भारतीय लोगों को मार दिया है हा? उन पर हमला किया है। देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि अभागे लोगों को जो अमानवीय दंड दिया गया है और उसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं उनकी मिसाल यानी उदाहरण, उसका उदाहरण, इस प्रकार का उदाहरण ना ही इसके पहले मैंने कभी देखा है और ना ही अब चल रहा है, ना ही वर्तमान में है। इस बात का विचार करते हुए कि जिस शक्ति के पास मानव जीवन के विनाश के लिए सबसे सबल साधन है, वह निहत्थी और साधनहीन जनता के साथ ऐसा व्यवहार करे। देखो, यहां पर रविंद्रनाथ ठाकुर जी अपने पत्र में लिख रहे हैं कि जो शक्तिशाली देश हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास बहुत कुछ हथियार हैं, वे निहत्थी लोगों पर हथियार चलाए, साधनहीन जनता के साथ ऐसा व्यवहार करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगा है। इसलिए मुझे क्या हुआ है, बहुत दुख हुआ है, दर्द हुआ है। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि न तो इससे कोई राजनीतिक प्रयोजन सिद्ध होता है और न ही यह नैतिक रूप से उचित है। ये जो कदम उठाए हैं अंग्रेज सरकार ने, ये कैसे है नैतिक रूप से, कैसे है, उचित है क्या? नहीं है, नैतिक रूप से उचित नहीं है। नैतिकता को पकड़कर यह कार्य नहीं किया है और इससे ना ही कोई राजनीतिक प्रयोजन सिद्ध होता है और ना ही नैतिक रूप से ये उचित है। ऐसे कौन बोल रहे हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं। अब आगे देखिए, धार्मिक विचारों की दुहाई देकर यहां मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता। मेरे धार्मिक विचार है मेरे जो धार्मिक विचार है, तो मैं यहाँ पर धार्मिक विचारों की दुहाई नहीं दे रहा हूं। दुहाई, दुहाई यानी क्या? दीनतापूर्वक की जाने वाली याचना, मैं आपके सामने याचना नहीं कर रहा हूं, दीनतापूर्वक याचना मैं नहीं कर रहा हूं आपके सामने, मैं दुहाई नहीं दे रहा हूं, सफाई नहीं दे रहा हूं, नहीं देना चाहता। देखिए, धार्मिक विचारों की दुहाई देकर यहां मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता। हमारे पंजाबी भाइयों ने जो अपमान और पीड़ा सही है उसकी कहानी दबी हुई आवाज के साथ व्यक्त होकर पूरे भारत में फैल गई है। देखो, आपने यह जो निर्ममतापूर्ण जो कार्य किया है, बर्बरतापूर्ण जो कार्य किया है, उसकी खबर आपने दबाने का भी प्रयास किया, लेकिन यह खबर दब नहीं सकी, बल्कि अब क्या हो गया है, धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई है। इससे हम लोगों के हृदय में जो सर्वव्यापी धिक्कार की भावना पैदा हुई, सर्वव्यापी सभी जगह पर सर्वव्यापी हर तरफ फैला हुआ है। अंग्रेज सरकार के प्रति धिक्कार की भावना हमारे मन में निर्माण हुई है। इससे हम लोगों के हृदय में जो सर्वव्यापी धिक्कार की भावना पैदा हुई उसकी अवहेलना अंग्रेजी शासकों ने शायद स्वयं को इस बात पर बधाई देते हुए कर दी कि उन्होंने हमें उचित पाठ पढ़ा लिया। देखो, लोगों का ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने क्या किया है, भारतीयों को अच्छा पाठ पढ़ाया है, अच्छा सबक सिखाया है, लेकिन ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इससे हम लोगों के हृदय में जो सर्वव्यापी धिक्कार की भावना पैदा हुई उसकी अवहेलना अंग्रेजी शासकों ने, देखो अंग्रेज शासन के प्रति हमारे मन में जो धिक्कार की भावना निर्माण हुई है, जो विरोधाभास निर्माण हुई है, उसकी अवहेलना अंग्रेजी शासकों ने
उसकी अवहेलना, उसका अनादर किया है। अंग्रेजी शासकों ने उसका क्या किया है? अनादर किया है, अवहेलना की है। शायद स्वयं को इस बात पर बधाई देते हुए कर दी कि उन्होंने हमें उचित पाठ पढ़ाया। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने हमें क्या किया है, अच्छा सबक सिखाया है। कौन बोल रहे हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं। किसमें? पत्र में, जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पत्र में वे लिख रहे हैं। यहाँ के अधिकांश आंग्ल भारतीय अखबारों ने इस निर्ममता की प्रशंसा की है। देखो अंग्रेजों के जो अखबार है उन अखबारों में ये जो निर्ममता पूर्ण जो व्यवहार किया है भारतीय लोगों के साथ, उसकी प्रशंसा की है, तारीफ की है। वाह वाह, क्या अंग्रेज सरकार ने काम किया है, भारतीयों को सही सबक सिखाया है, ऐसा किया है। लेकिन आगे देखो वे क्या बोल रहे हैं। यहाँ के अधिकांश आंग्ल भारतीय अखबारों ने इस निर्ममता की प्रशंसा की है और कुछ अखबारों ने हमारे इस संताप का परिहास भी किया है। देखो परिहास यानी हंसी भी उड़ाई है। कुछ अखबारों ने क्या किया है, हमारी हंसी भी उड़ाई है। भारतीय लोग जब बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, तब कुछ अखबारों ने क्या किया है, उनकी हंसी भी उड़ाई है। देखो आंग्ल भारतीय अखबारों ने इस निर्ममता की प्रशंसा की है और कुछ अखबारों ने हमारे इस संताप का परिहास भी किया है, हंसी भी उड़ाई है। अधिकारियों की निरंकुशता का विरोध किसी ने नहीं किया है। देखो रविंद्रनाथ ठाकुर जी अपने पत्र में लिख रहे हैं, जो अंग्रेज सरकार को दे रहे हैं, अपनी सर की उपाधि लौटाते हुए जो पत्र लिख रहे हैं, जो किसको देना है, अंग्रेज सरकार को देना है। वे पत्र में यह भी लिख रहे हैं कि इन अधिकारियों की निरंकुशता का विरोध किसी ने भी नहीं किया है, किसी भी अंग्रेज शासक ने नहीं किया है। जो निरंकुशता से, निर्ममता से बर्बरतापूर्ण अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे भारतवासियों पर, जो कहाँ बैठे थे, जलियांवाला बाग में बैठे थे और शांतपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे, उन पर किसने गोलियां चलाई है? जनरल डायर ने जो गोलियां चलाई है, जनरल डायर और उनके साथियों ने जो गोलियां चलाई है, उन्हें रोकने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया है। देखो कराहती हुई भारतीय जनता की पीड़ा एवं उसके विचारों को सही सही व्यक्त नहीं किया गया है। जो सरकार न्याय का पालन करके आर्थिक और नैतिक दृष्टि से महान हो सकती थी, उसे कड़े राजनीतिक विरोध ने अंधा बना दिया है। इसलिए भारतीय लोगों की सब प्रार्थनाएं भी व्यर्थ हो गई हैं। कराहती हुई दर्द से, वेदनाओं से कराहती हुई भारतीय जनता की किसी ने भी नहीं सुनी है। सिर्फ आप लोगों ने क्या किया है, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई है, बस उनकी ना ही कोई बात आपने सुनी है, बल्कि सिर्फ क्या किया है, गोलियां चलाने का काम किया है और उन्हें खत्म करने का काम किया है, बस। आगे देखिए, मैं अपने देशवासियों की इस मूक व्यथा के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि अपना विरोध व्यक्त करूं। देखो रविंद्रनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं मेरे देशवासियों के साथ हूं, आपने मुझे सर की उपाधि दी है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी मैं किसके साथ हूं, मेरे देशवासियों के साथ हूं और मैं अपने देशवासियों की इस मूक व्यथा के लिए, व्यथा यानी कष्ट, दुख, इस मूक व्यथा के लिए कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि अपना विरोध व्यक्त करूं और उसका परिणाम अपने ऊपर लूं मैं इतना तो कर ही सकता हूं। किसके लिए? मेरे भारतीय लोगों के लिए, मेरे देश के लिए। आज अंग्रेजी सम्मान की पदवी हमें अपमानित कर रही है, या आपने जो मुझे पदवी दी है, जो उपाधि दी है, यह पदवी मुझे अपमानित कर रही है, मुझे अपमान सी लग रही है, आपने मेरा अपमान किया है,
इसलिए मैं ऐसे सम्मान से मुक्त होकर अपने अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो मनुष्य के लिए अनुपयुक्त हीनता सहन करने के लिए विवश हुए हैं। इन्हीं कारणों से विवश होकर खेद के साथ मुझे महाराजा धीराज से प्राप्त सर नाइट की उपाधि से मुक्त होने के लिए अनुरोध करना पड़ रहा है। देखो, खेद के साथ यानी दुख के साथ मुझे महाराजा धीराज से प्राप्त जो सर की उपाधि आपने मुझे दी है, वो सर की उपाधि से मुक्त होने के लिए अनुरोध करना पड़ रहा है। मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, क्या कि आपने मुझे जो सर की उपाधि दी है, वो सर की उपाधि मैं लौट रहा हूँ और आपको उसे स्वीकार करने का मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ। देखिए, सर की उपाधि से मुक्त होने के लिए अनुरोध करना पड़ रहा है जिसे मैंने आपके उन पूर्वाधिकारी के हाथों से ग्रहण किया था। आपके पूर्वाधिकारी जो थे, उनके हाथों से मैंने यह उपाधि ग्रहण की थी, उन्होंने मुझे यह उपाधि दी थी, लेकिन यह उपाधि मुझे आज अपमानित कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, मेरे देशवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई है, उन्हें मार दिया है, सैकड़ों लोगों को आपने मार दिया है, हजारों लोगों को आपने घायल बनाया है, इसलिए यह उपाधि मुझे अपमानित कर रही है। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इस उपाधि को आपको लौटाना चाहता हूँ। देखिए, जो मुझे किसने दी थी, आपके पूर्वाधिकारी ने दी थी, वह उपाधि मुझे नहीं चाहिए। और यह उपाधि मैं आपको सौंप कर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, उनका साथ मैं देना चाहता हूँ। देखिए, जिसे मैंने आपके उन पूर्वाधिकारी के हाथों से ग्रहण किया था, जिसकी महानता के प्रति मेरे मन में अब भी श्रद्धा है, जिससे मुझे यह उपाधि मिली थी, जिन्होंने मुझे यह उपाधि दी थी, उनके प्रति मेरे मन में अभी भी क्या है, श्रद्धा है। लेकिन आप लोगों ने मुझे क्या किया है, अपमानित किया है। क्या करके? भारतीय लोगों पर गोलियां चलाकर अपने मेरी जो उपाधि है, आपने जो मुझे उपाधि दी है, उस उपाधि से मुझे मेरा क्या किया है, आपने अपमान किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आपके सरकार से मिली हुई उपाधि मैं आपको लौटाना चाहता हूँ और उससे मुक्त होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरे भारतीयों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। ऐसा दोस्तों, यहाँ पर पत्र किसने लिखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। किसको लिखा था? अंग्रेज सरकार के महामहिम को लिखा था, प्रमुख को लिखा था। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का यह जो हमारा गद्य है, सर की उपाधि लौटा दी, यह गद्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। ओके, धन्यवाद।